हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो फिर आज एक्चुअली आप लोग के लिए मैंने कुछ नई चीज़ लाया हूँ, जो है अरबिक डिश जो बनती है तुनिशिया में, जिसका नाम है लबलाबी। तो कैसे बनती है और कैसे लगता है खाने में, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, मेरे साथ में बने रहिए। ओके, चलिए तो मैं अभी दिखाता हूँ कैसे बन रहा है ये। इसमें हमने ऑलरेडी ये पहले डाल दिए हैं, ये हरीसा। एक्चुअली ये अरबिक स्पाइसी होता है, ये ऐसा रहता है, स्पाइसी आइटम है। इसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट होता है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे बनेगा ये। आप लोग को एक्चुअली अगर जो जो लोग दुबई में हैं उनको तो ये आसानी से मिल जाएगा, ये वाला जो स्पाइसीनेस है वो आई थिंक कैरफोर में मिल जाता है यहाँ पे, जो यहाँ पे सुपरमार्केट है। चलिए अभी शुरुआत करते हैं। इसके लिए अभी हम इसमें एक्चुअली जो दार है वो ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल जो हमें कहते हैं उर्दू में जैतून का तेल, बड़ा हेल्दी होता है खाने के लिए। और ये हमारे कमून है, एक्चुअली कमून मसाला, इसकी खुशबू तो बड़ी अच्छी है। तो अभी हम डाल रहे हैं चिकपीस, जो काबुली चना जैसे कहते हैं हम लोग। एक्चुअली इसकी जो खुशबू है बहुत बढ़िया आ रही है, क्योंकि इसको बॉईल किया गया बहुत टाइम से। मेन एक्चुअली ये डिश मेन इसी से बनती है, इसके बिना ये अधूरी है। थोड़ा सा इन्होंने पानी भी डाल दिया है इसका, तो जो बॉईल का फ्लेवर और टेस्ट है चिक पीस का वो भी इसमें आ जाएगा। ओके, अभी जितनी भी चीज़ उन्होंने डाली है इसके अंदर में, जो स्पाइसीनेस था और जो जीरा था, कोमिन था, ऑलिव ऑयल और चिक पीस, उन्होंने अभी इसको मिला दिया है, ये मिक्स हो गया है। अभी इसके अंदर आ रहा है ब्रेड, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं बकेट, फ्रेंच ब्रेड, फ्रेंच बकेट भी कहते हैं, और आई थिंक इंडिया में हम कहेंगे कड़क पाव, जो आता है टोस्ट की तरह होता है, उसको उन्होंने करके छोटी छोटी करके डाला हुआ है। आई थिंक इसको अभी थोड़ी देर के रख देंगे, जो ब्रेड जो कड़क कड़क ब्रेड है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद में खा के देखते हैं। हमारे पास पाया भी है एक्चुअली, हम लोग पाया भी डालेंगे, क्योंकि मुझे इस बार पाया से ट्राई करना है, नॉर्मली हम अंडे भी डालते हैं। ओके, तो अभी इसके अंदर में एक्चुअली अंडा जा रहा है, अंडा एक्चुअली जो होता है आधा कच्चा आधा पक्का, आप देख सकते हो ना, ये आधा कच्चा आधा पक्का अंडा है। ओके, तो अभी अंडे को एक्चुअली हम लोग मिक्स कर दे रहे, तो जो जो टेस्ट है अंडे का वो इसमें आ जाएगा, और ये खाने में एक्चुअली बड़ा लजीज दिखता है। अच्छा, वैसे मैं आपको लोगों को बता दूं कि मेरे पास पाया भी है, तो पाया ऑप्शनल है, तो जैसे पाया खाना है वो पाया खाता है, जैसे अंडा चाहिए अंडा, तो मैंने सेपरेटली पाया रखा है मेरे लिए, कि जो मेरे बाउल में जो आएगा वो मैं पाया के साथ खाऊंगा, मुझे टेस्ट करना है वो कैसा रहेगा। और ये क्या है एक्चुअली, ये तो मुझे भी नहीं पता है, बट मैं देख लेता हूँ। इसे कहते हैं केपर, तो बट खाने में अच्छा है, सही है, बेटर है। तो
थोड़ा सा और ऑलिव ऑयल डाल देते हैं ये, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी है, तो ऑलिव ऑयल से थोड़ा सा ये जो स्पाइसनेस है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे बिलावी बड़ी पसंद, तो मैं भी ट्राई करता हूँ कि कैसे बना है। पहला जो मैंने हमने डाला है अंडा, अंडे के साथ में जो हमने देखा बना भी, वो मैं पहले खा के देखता हूँ कैसा लग रहा है। यार हमेशा की तरह मुझे बड़ा पसंद आता है, इसके अंदर में चिकपीस का सॉफ्टनेस आता है और स्पाइसीनेस है, ऑलिव का टेस्ट आ रहा है, अंडे का आ रहा है, बड़ा बेहतरीन है एक्चुअली। अभी जैसे आपको मैंने कहा था कि मैंने ऑप्शनली मेरे लिए पाया रखा था, तो मुझे पाया के साथ ट्राई करना है ये कैसा टेस्ट आएगा। लेट्स सी, देखते हैं। मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा, आई होप, देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको। नहीं, ओ माय गॉड, इट्स अनबिलीवेबल रियली, ये इतना बेहतरीन है पाए के साथ में। आई थिंक जब नेक्स्ट टाइम मैं खाऊंगा तो पाए के साथ में ही खाऊंगा। चलिए मैं भी एंड करता हूँ मेरे वीडियो को। प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, शेयर करो और लाइक करो, और भूलिए मत कि खाने कैसे भी हो, कहाँ के भी हो, बेहतरीन होते हैं। चलिए।